रोशन हुई थी गलियां, हर घर जगमगाया था। खबर सुन उनके आने की हर शख्स मुस्कुराया था। सरयू आतुर थी दशरथ नंदन के पग पखारने को, उर्मिला का इंतजार भी अब खत्म होने आया था। सुगंधित हुआ था रघुकुल, अयोध्या दुल्हन सी सजी थी। कैकेयी पश्चाताप की आग में जलकर इंतजार में खड़ी थी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बेकरार थे सियाराम दरस को। दीप जल रहे सरयू तट पर प्रजाजन की भीड़ बड़ी थी। लाड लड़ाने लाडलों को कौशल्या थी बेकरार। सुमित्रा के मन भी उमड़ रहा था ढेरों प्यार। जो रही साक्षी लौकिक अलौकिक रामलीला की, अयोध्या और सरयू का खत्म हुआ इंतजार। अलंकृत होकर सोने के कलश दरवाजे पर सज रहे थे। देवताओं की खुशी तो देखो, पुष्प प्रभु पर बरस रहे थे। आनंद कंद प्रभु राम के जब पग पड़े अयोध्या की धरा पर, उमड़ पड़े थे नर नारी जो प्रभु दरस को तरस गए थे। सोन थाल में सजी आरती, हर तरफ हो रहे मंगल गान। करसनर्थ सारी नगरी को राजभवन पहुंच रहे भगवान। ढोल नगाड़े और जयकारों से गुंज उठा था रघुकुल सारा। बड़ आगे तीनों माता को सियावर राम कर रहे प्रणाम। बारी जब आई सूर्य विरह की, रामचंद्र रूपी चंद्र खिला। सुमित्रा सुत कैकेयी कुमार का मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। झूम रहा था पूरा अवध सियाराम लखन के आगमन से। बरसों के इंतजार के बाद अयोध्या को उसका नरेश मिला। राज्य अभिषेक का समय जब आया, देव ऋषि भी थे आए। मुनि वशिष्ठ के आदेश से दिव्य सिंहासन ले आए। अल्फाज किनारे करते हैं, उस वक्त का बखान करे कैसे। शीश नवाकर ब्राह्मणों को प्रभु सिंहासन विराज गए। ओटीटी इंडिया टीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।